नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज आपसे बात होगी मौर्य वंश के विषय में। मौर्य वंश के विषय में बात करने से पहले हम लोग पीछे के क्लास में बात किया था नंद वंश के विषय में कि मिलिंद पनोह में घनानंद और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का रक्त रंजित विवरण मिलता है। मिलिंद पनोह की रचना जो है एक इसके द्वारा किया गया, तो नागसेन के द्वारा किया गया और यह एक बौद्ध ग्रंथ है। तो मौर्य वंश के विषय में, चूंकि जो प्राचीनतम राजवंश था उन प्राचीनतम राजवंश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कोई राजवंश था तो वह मौर्य वंश था। और मौर्यों के इतिहास के विषय में बड़े ही दुविधापूर्ण बातें सुनने को मिलती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मौर्य वंश के विषय में। मौर्य वंश इसका शासनकाल 323 बीसी से 184 बीसी इसका शासनकाल माना जाता है। इस वंश के जानकारी के स्रोत क्या है? तो दो तरह के जानकारी के स्रोत हैं, एक आपको साहित्यिक स्रोत और एक आपको अभिलेखीय स्रोत। कौन कौन से? एक साहित्यिक स्रोत और एक अभिलेखीय स्रोत। ये दो तरह के आपको स्रोत मिलते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में और अभिलेखीय स्रोत में आपको क्या क्या मिलता है? साहित्यिक स्रोत में हम सब क्या देखते हैं? तो इसमें जो मिलता है वह ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ और आपको जैन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ तथा कुछ यूनानी लेखकों के किताबें हैं। यूनानी लेखक, इन्हीं की किताबें आपको जो है मुख्य रूप से हमें आपको मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में आपको विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस किसका? तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस है। फिर आपको जो है कथा सरित सागर है। सरित सागर सोमदेव का है या किसका? सोमदेव कृत कथा सरित सागर है। आपको जो है कि क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है। कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। आपको ढूंढी राज का जो है मुद्रा राक्षस पर टीका है। इसके साथ साथ आपको जो है विष्णु पुराण भी आपको इसका ग्रंथ माना जाता है। और जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का
अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब यहीं पे आपको बौद्ध ग्रंथों में क्या है तो दीपवंश, महावंश ये दोनों सिंहली साहित्य हैं। कौन से? सिंहली साहित्य हैं। दिव्यावदान नेपाली साहित्य है। साथ ही साथ आपको जो मिलता है महाबोधि वंश, महाबोधि वंश ये सभी आपको जो है जानकारी देते हैं। वहीं जैन ग्रंथों में कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र के रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया। वहीं आपको जो है परिशिष्ट पर्वन है, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन इन सभी ग्रंथों में आपको जानकारी मिलती है। फिर मेगास्थनीज की इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका आपको आपको मेगास्थनीज के इंडिका के साथ साथ जो है प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री ये इसकी रचना प्लिनी के द्वारा की गई है। फिर आपको टॉलमी की जियोग्राफी है, जियोग्राफी ये टॉलमी की जियोग्राफी मानी जाती है। फिर आपको जो है जस्टिन के जो है कि लॉ डाइजेस्ट है, लॉ डाइजेस्ट डाइजेस्ट ये सभी किताबें हैं। अभिलेखों में आपको जो मिलता है वह जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख का मतलब रुद्र दामन का, रुद्र दामन का आपको जो है वहीं। और कौन सा मिलता है तो अशोक के 40 छोटे बड़े अभिलेख, अशोक के 40 अभिलेख ये सभी जो हैं ये हमें जानकारी किसके विषय में देते हैं तो ये सारे जानकारी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। किसके विषय में? तो मौर्य वंश के विषय में ये सारी बातें हमें जानकारी के रूप में मिलती है। यही जो है कि मुख्य रूप से यही जानकारी प्राप्त होते है। आजा भाई। हैंग 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 कर रहा है। ठीक ना? ये जो है यही मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी प्रदान कर रहा है। अब हम सबको आगे चलना है। देखिए इसमें जो है हम सबको वही बातें जाननी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आइए हम सब देखते हैं मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है इसका शासनकाल आपको 323 से लेकर 298 BC माना जाता है। 323 से 298 यानी लगभग इसका शासनकाल आपको जो है 25 वर्ष इसका शासनकाल हुआ।
चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। इन्हें मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त निम्न कुल में जन्म और कहते हैं इसे वृषल वंशीय शब्द कहकर संबोधित करते हैं कि यह वृषल कुल में जन्म लेने वाला था। वहीं आपको जो है यानी जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथों में इसे निम्न कुल में जन्म लेने वाला बतलाया गया है, जबकि जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में इसे आपको क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बतलाया गया है। और आधुनिक लेखक रोमिला थापर ने मौर्यों के वंशावले वैवाहिक संबंधों के आधार पर इन्हें वैश्य कुलीन कहकर संबोधित किया है, ऐसी जानकारी प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल पूछता है कि आपको जो है मुद्रा राक्षस में इसे किस कुल में उत्पन्न बतलाया गया है, तो मुद्रा राक्षस में इसे आपको जो है कि निम्न कुल में बतलाया गया है और इसे वृषल वंशीय कहकर संबोधित किया गया है। अब आइए आपको जो है यानी कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ में इसे निम्न कुल में उत्पन्न बता रहे हैं, निम्न कुल बता रहे हैं। वहीं आपको जैन एवं बौद्ध ग्रंथ क्या कह रहे हैं, तो क्षत्रिय कुल में इसे उत्पन्न बता रहे हैं। और रोमिला थापर महोदया जो हैं इसे क्या कहती हैं, तो वैश्य कुल में उत्पन्न बतलाया है, जो भी रहा हो। लेकिन आपको जो है इसको मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में राक्षस में इसे वृषल वंशीय कहा गया है, ये तो भैया इसके पहचान हुई या इसके विषय में बातें हैं। अब हम सब आइए बातें करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों का। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि ये रही कि इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकूट्स क्या कहते हैं जस्टिन ने इसे क्या कहा, तो सेंड्रोकूट्स कहकर संबोधित किया। सेंड्रोकूट्स कहा, जबकि आपको जो है कि प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकूट्स कहकर संबोधित किया। प्लूटार्क, जस्टिन, एरियन भी इसे सेंड्रोकूट्स कहकर ही संबोधित करता है, ठीक ना। सर्वप्रथम ये दोनों जो है विलियम जोन्स ने सेंड्रोकूट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया सेंड्रोकूट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स के द्वारा किया
गया। प्लूटार्क अपने विवरण में कहता है कि एंड्रोकोर्स जो है यह एक बार अलेक्जेंडर यानी सिकंदर से यह मिला था, ऐसी जानकारी ये देता है, ठीक ना। इसके बाद इसने आपको जो मुख्य रूप से बातें होती हैं, इसके बाद ये कहा जाता है कि जो एक विद्वान है जस्टिन इसकी सेना को डाकुओं की सेना कहकर संबोधित करता है। किसकी? डाकुओं की सेना, डाकुओं की सेना कहकर इसे संबोधित करता है। जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स को डाकुओं की सेना कहकर संबोधित किया है। वही जस्टिन लिखता है कि सिकंदर के वापस जाने के बाद भारत ने अपने गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और इसका जन्मदाता कोई और नहीं सेंड्रोकोट्स था। इसका जन्मदाता सेंड्रोकोट्स था। वही प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख सेना के साथ इसने समस्त भारत को रौंद डाला, इस बात के जानकारी प्राप्त होते हैं, ठीक ना। इसने 323 ईस्वी में आपको सिकंदर 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से से मौर्य वंश के नींव रखी। किसके? मौर्य वंश के नींव रखे, ठीक। इसके विशाल साम्राज्य की जो राजधानी थी, आइए इसका साम्राज्य तो इसका जो साम्राज्य था वह उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसने उत्तर में आपको काबुल, पूरब में आपको कलिंग, पश्चिम में श्रवण बेलगुला माने चंद्रगिरी पर्वत, इसे कर्नाटक बोलते हैं, इसे वर्तमान में उड़ीसा बोलते हैं और इसे आपको इसे क्या बोलते हैं तो अफगानिस्तान बोलते हैं, और यहां पर आपको सौराष्ट्र यानी पश्चिम का मतलब गुजरात, यहां तक इसके साम्राज्य के साम्राज्य जो था यह विस्तृत था। और इस विशाल साम्राज्य के राजधानी केंद्र में पाटलिपुत्र थी। कहां पर? पाटलिपुत्र इसके विशाल साम्राज्य के राजधानी हुआ करते थी, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने पश्चिमी भाग पर अधिकार का पता कैसे चलता है तो इसके प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य रहता है और पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा आपको जो है इसके विषय में विधिवत जानकारी प्राप्त होते हैं। पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है कि उर्जयंत और रैवतक पर्वत को काटकर एक आपको झील का, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था जो इसका प्रांतपति था। श्रवण बेलगोला में चुके चंद्रगिरी नामक पर्वत पर इसने संलेखना विधि से प्राण को त्यागे थे, तो इस बात का एहसास होता है कि इसका जो आपको साम्राज्य था वह चंद्रगिरी तक था। कलिंग युद्ध के विषय में यहाँ पर कलिंग कैसे इसके साम्राज्य का भाग हुआ होगा
तो आप सबको पता होगा कि इसने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में लगभग 305 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा था। किसमें? 305-4 बीसी में। किससे? तो आपको युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर किसके किसके बीच? तो सेल्यूकस और आपको जो है निकेटर के बीच और आपको सिकंदर के बीच, सॉरी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। और इस युद्ध के समय ही मेगास, इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विजय हुई थी और सेल्यूकस निकेटर जो था यह पराजित हुआ था। इस बात की जानकारी किससे मिलती है? तो जो युद्ध थे उस युद्ध की संधि से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि कहीं ना कहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका पलड़ा भारी था, क्योंकि इसने आपको जो है कि इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक दार्शनिक भेजा, साथ ही साथ अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेनिस दाए और आपको जो है हेरात, ये सभी प्रांत, काबुल, कांधार जितना है ये सारे प्रांत जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। साथ ही साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है इसके साथ किया। तो भैया उस समय काबुल कांधार जो काबुल था इसे पेरीपेनिस दाई कहते थे, पेरीपेनिस दाई, पेरीपेनिस दाई को ही काबुल कहते थे। ये प्रांत इसको मिल गया था, अब इसकी सीमा काबुल तक थी और इसने सेल्यूकस निकेटर को हाथी दिया था, 500 हाथी दिए थे और कहाँ से? तो कलिंग से। तो उस समय कलिंग हाथियों के लिए और सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बातें आपको यहाँ पर ज्ञात हो जाते हैं। अब मौर्यों का राजकीय चिन्ह जो था वह मयूर था, मौर्यों का राजकीय चिन्ह मयूर हुआ करता था, ठीक ना? गुडेनबेल महोदय ने ये बात बतलाई इसके। अब यहीं पे आओ कुछ बातें लिख देता हूं। इसका अमात्य कौन था? इसका अमात्य चाणक्य था। कौन? चाणक्य इसका अमात्य था। और मेगा इसने जो है इसे और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त के नाम से, इसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसने आपको अमात्य था। मेगास्थनेज कौन था? तो मेगास्थनेज जो था इसके दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ के रचना की थी। इंडिका में इसने आपको मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जानकारी दिया, प्रशासनिक व्यवस्था के जानकारी देता है, ठीक ना? प्रशासनिक व्यवस्था के जानकारी प्रदान करता है आपको जो है कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह का राजकीय चिन्ह क्या था? तो मयूर था। ऐसा कौन बताता है? तो गुडेनबेल महोदय, गुडेनबेल महोदय ने यह बात बतलाई कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह मयूर था। ये बातें हम सब देखते हैं, ठीक ना? ये प्रमुख रूप से जो है
के इसके विषय में बातें हुई। अब हम लोग आते हैं बिंदुसार के विषय में। किसके विषय में? तो बिंदुसार के विषय में आइए हम सब अध्ययन करते हैं। बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार का जो शासनकाल था यह आपको 298 से 273, 98 से 273 बीसी ए यह जो था यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे यूनानी लेखक जो हैं, यूनानी लेखक इसे क्या कहते हैं? तो अलिट्रोचेट्स, अलिट्रोचेट्स, अलिट्रोचेट्स कहते हैं। जबकि इसे आपको जो है जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन इसे कहा गया है। वहीं इसे संस्कृत ग्रंथों में, यानी संस्कृत यानी ब्राह्मण ग्रंथों में इसे आपको क्या कहा गया है? तो इसे आपको जो है कि अमित्रोकेट्स, अमित्र घात कहा गया है। अमित्र घात, अमित्र घात इसे कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये बातें संस्कृत ग्रंथों में मिलती है, ठीक ना। इसका जो सेनापति था, सेनापति या अमात्य कह लो, अमात्य इसका खल्लाटक था। खल्लाटक, खल्लाटक इसका अमात्य हुआ करता था। इसके दरबार में यह आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, का अनुयायी था, ठीक ना। और इसके दरबार में आजीवक संप्रदाय के महान ज्योतिषे, महान ज्योतिषे, ज्योतिषे परिव्राजक, परिव्राजक निवास करते थे, परिव्राजक निवास करते थे। इसका जो मंत्रिमंडल था वह 500 सदस्यों वाला इसका मंत्रिमंडल हुआ करता था। कितना? 500 सदस्यों वाला इसका मंत्रिमंडल आपको मिलता था, ठीक। इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण बातें और भी था कि इसके दरबार में आपको जो है कि सीरिया के शासक ने जो है कि कुछ व्यक्ति भेजे थे। उससे पहले थोड़ा सा हम सब देख लेते हैं कि इसके समय में उज्जैन का प्रांतपति, उज्जैन का गवर्नर कौन था? तो उज्जैन का गवर्नर आपको अशोक रहता है। और तक्षशिला का, तक्षशिला का गवर्नर जो था यह कौन रहता है? तो इसका बड़ा पुत्र सुषेम रहता है। और तक्षशिला में विद्रोह की जानकारी भी मिलती है। जब विद्रोह होता है तो सुषेम दबाने में असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अशोक को भेजता है और अशोक जो था विद्रोह को दबाने में सफल हो रहता है। और इस तरह कालांतर में इसने अपना उत्तराधिकारी अशोक को घोषित किया। ये बातें आप सबको मिलती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट जो बातें हैं, तो बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस ने डायमेकस नामक दूत भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार
सीरिया का शासक एंटीयूकस ने डायमेकस नामक मेकस नामक दूत इसके दरबार में भेजा था। डायमेकस को इसके दरबार में भेजा था, जबकि प्लिनी के अनुसार प्लिनी के अनुसार आपको जो है ये प्लिनी के अनुसार मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस जो था, मिस्र के शासक रहते हैं टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने इसके दरबार में डायनोसियस नामक दूत भेजा था। डायनोसियस नामक दूत इसके दरबार में भेजा था। ये आपको इसने एंटियोकस से तीन वस्तुओं की मांग की थी, ठीक ना, तीन वस्तुओं की मांग की थी, जिसमें आपको दो वस्तुएं आपको तो अंजीर, सूखे अंजीर और शराब, मीठी मदिरा तथा दार्शनिक। प्रथम दो वस्तुएं तो भिजवा देता है, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजता, क्योंकि दार्शनिक को भेजने का मतलब था कि क्रय विक्रय का मामला, और सीरियाई कानून के अनुसार व्यक्तियों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता था। ये इससे संबंधित प्रमुख बातें हुई। अब हम सब आते हैं अगले अध्याय में, जिसमें अशोक के विषय में हम सब अध्ययन करेंगे। तो अशोक के विषय में, अशोक जो था 269 में गद्दे पर अशोक जो है बैठता है, और यह लगभग 232 BC तक मगध के गद्दे पर इसने शासन किया। ये मौर्य वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक था, सबसे महान एवं प्रतापी शासक यह था। लगभग चूंकि आप देखते हैं कि 272 ईस्वी में ही जो है बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अनुश्रुतियों के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि इसने अपने 99 भाइयों के हत्या करके मगध के गद्दी को प्राप्त किया था। चूंकि बीच का 3 वर्ष का अंतराल भी रहता है, तो इस बात से यह आशंका जताई जाती है कि वास्तव में यह कहीं ना कहीं गृह युद्ध में परेशान होगा। इसी कारण इसने राज्याभिषेक 269 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक ना। उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के पश्चात इसने राज्याभिषेक कब कराया, तो राज्याभिषेक जो था वह आपको 269 ईस्वी में कराया। अब देखिए इसका व्यक्तिगत नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है। तो अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक आपको कहाँ कहाँ, तो मास्की, नेतूर, उडेगोलम, गोलम और आपको मास्की, नेतूर, उडेगोलम और आपको एक और है। अभिलेख में व्यक्तिगत नाम जो है आपको जो है व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, नाम अशोक मिलता है, अशोक मिलता है, ठीक ना। मास्के, नेतूर, उडेगोलम और एक और है भाई,
एक और है जिसमें आपको अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। मुझे दिमाग से उतर गया है, मास्की नित्तूर उड़े गोलम। और एक हाँ याद आ गया, गुर्जरा। गुर्जरा इन आपको चार अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। ठीक ना, व्यक्तिगत नाम अशोक का नाम प्रियदर्शी या अशोक प्रियदर्शी आपको मिलता है। अब देखिए एक इसका अभिलेख है और वह है आपको जो है कौसाम्बी अभिलेख। कौसाम्बी अभिलेख, कौसाम्बी अभिलेख जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसी अभिलेख में इसके एकमात्र पुत्र तीवर और एकमात्र पत्नी पुत्र तीवर और एकमात्र पत्नी आपको पत्नी किसका कारुवाकी, कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी का उल्लेख इसका मिलता है, ये बातें आपको बताया गया है। अशोक की जो आपको जो है एक पत्नी संघमित्रा का भी उल्लेख मिलता है और संघमित्रा से ही आपको सॉरी इसकी पत्नी से एक पत्नी से संघमित्रा और महेंद्र नामक दो पुत्र के जन्म होने की कहानी भी मिलता है। तो यह और कोई नहीं विदिशा महादेवी, विदिशा इसके एक पत्नी पत्नी जो कि उज्जैन के व्यवसायी की पुत्री थी, पत्नी विदिशा महादेवी, विदिशा महादेवी से आपको जो है दो एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र जो है वह महेंद्र है और पुत्री संघमित्रा, संघमित्रा ये पुत्री और ये हैं पुत्र के जन्म की जानकारी इसके एक पत्नी विदिशा महादेवी से एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा के जानकारी मिलती है। और यही दोनों तृतीय बौद्ध संगते के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका को जाते हैं, श्रीलंका ये जाते हैं। ये आपको अशोक से संबंधित अशोक के अभिलेख में आपको इसकी माता का नाम दुर्धरा मिलता है। क्या मिलता है? दुर्धरा। दिव्या अवदान में लिख दूं, सुन लो भाई, दिव्या अवदान में इसकी माता का नाम दुर्धरा मिलता है। जबकि कई एक जगह पे दक्षिण भारत के साहित्य में इसकी माता का नाम जो है वह आपको धम्मा मिलता है। वहीं पे अशोका द ग्रेट के लेखक स्मिथ ने इसकी माता का नाम सुभद्रांगे या कल्याणी कहकर संबोधित किया है। जो भी रहा हो, इसके बाद आपको जो है अशोक के द्वारा आपको इसके राज्यारोहण के आठवें वर्ष कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं। किसके विषय में? तो कलिंग युद्ध के विषय में आपको जो है जानकारी प्राप्त होते हैं। आइए हम सब कलिंग युद्ध के विषय में देखते हैं। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो राज्यारोहण के आठवें वर्ष यानी आठ वर्ष कब राज्यारोहण हुआ था? तो 269 में, आठवें वर्ष मतलब 161 बीसी में ईसा पूर्व यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के
आपको राज्यारोहण के आठवें वर्ष कलिंग युद्ध को इसने लड़ा। ये कलिंग युद्ध जो था, इसकी जानकारी प्रथम जानकारी अशोक के तेरहवें शिलालेख में मिलती है, शिलालेख में प्राप्त होता है। इसके बाद आपको जो है, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात परिणाम क्या होता है, तो कलिंग युद्ध के पश्चात इसने भेरी घोष के जगह में, भेरी घोष यानी युद्ध की नीति इसे बोलते हैं युद्ध, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की घोषणा करता है। धम्म घोष की नीति की घोषणा यह करता है। धम्म घोष का अर्थ है सभी, यह कोई अशोक का धम्म घोष कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के प्रति संभाव के अशोक के नीति थी। इसे जो है धम्म घोष के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अशोक के द्वारा कलिंग को अपने अधीनस्थ कर लिए जाने के बाद इसने तोसली को उत्तर का केंद्र बनाया, ठीक। कलिंग जो था, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध आपको था। तो ये कलिंग युद्ध से संबंधित बातें हैं। प्रश्न भी ऐसे ही आपको जो है यह पूछता है, ठीक ना। कलिंग के एक शासक है खारवेल, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में आप सब जानते होंगे, ठीक ना। अब देखिए जो है कि आगे जो है अशोक ने के विषय में यह जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षा, अशोक के धम्म की नीति। आइए आगे कोटेशन बनाते हैं तब बताते हैं। अशोक के धम्म के नीति, ठीक ना, अशोक के धम्म की नीति। तो कल्हण के राज तरंगणे के अनुसार, किसके, कल्हण के राज तरंगणे के अनुसार, गिणी के अनुसार जो है आपको राज तरंगणे के अनुसार अशोक ने कश्मीर नामक नगर बसाया, अशोक ने श्रीनगर एवं कश्मीर को बसाया। और कल्हण की राज तरंगणी के अनुसार अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, कल्हण की राज तरंगणी के अनुसार इसने श्रीनगर में 1000 शैव मंदिर का निर्माण करवाया, ऐसी जानकारी कल्हण के राज तरंगणी से मिलती है। यह भी मिलती है कि अशोक का एक पुत्र जालौक जो था, जालौक कलिंग का शासक था,
सॉरी श्रीनगर का शासक था, का शासक था। ये कल्हण के राज तरंगणी से जानकारी प्राप्त होते है, ठीक ना। ये बात आप सबको मिलती है। अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म था, ये तो छोड़ दीजिए, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार इसने अपने भाई सुसीम के पुत्र निर्ग्रोथ से प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था, और लेकिन इसने बौद्ध धर्म के दीक्षा उपगुप्त नामक व्यक्ति से ली थी। बौद्ध धर्म के दीक्षा किससे ली थी, तो उपगुप्त से इसने ग्रहण किया था, उपगुप्त से इसने ग्रहण किया था। इसके बौद्ध धर्म के विषय में यह भी जानकारी मिलती है कि इसने बौद्ध धर्म को राहुलो सुतवाद नामक ग्रंथ में इस बात के विधिवत जानकारी प्राप्त होते हैं। फिर अशोक के द्वारा आपको महत्वपूर्ण बातों में ये होता है कि आपको अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, कितने वर्ष, 20वें वर्ष राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यह लुम्बिनी गया। बनी की जानकारी किससे मिलती है, तो रुम्मिन दे अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। और यहाँ जाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। यानी जो 1/6% कर यहाँ के लोगों से लिया जाता था, उसे घटाकर 1/8 कर दिया गया। ये लुम्बिनी क्या है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी को माना जाता है, ठीक ना। सांची के स्तूप का निर्माण इसके द्वारा ही करवाया जाता है। सांची के स्तूप का निर्माण इसने कुल 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। कितना, 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण इसके द्वारा कराया जाता है, ठीक ना। इसके बाद इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगते का आयोजन किया गया। आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, सभा मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में किया गया, और धम्म अभिधम्म सूत्रपिटक की रचना जो थी, अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति के समय में ही की गई थी। अशोक ने कई सहिष्णुपूर्ण कार्य किए। 12वें शिलालेख में यह कहता है कि उसने धार्मिक सहिष्णुता के वृद्धि के बात करता है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता धार्मिक
सहिष्णुता की बात करता है। इसके 12वें शिलालेख में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। और ये कहता है सभी संप्रदाय सभी जो है के स्थानों पर रह सकते हैं, क्योंकि सभी आत्मसंयम एवं भाव शुद्धि चाहते हैं। ऐसी बातें इसके द्वारा की जाते हैं। ये एक बात और भी घोषणा करते हुए कहता है कि जो कोई बौद्ध भिक्षुणी या भिक्षु यदि संघ में विभेद ढालने का प्रयास करेगा तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी प्राप्त होते हैं। इस भाबरू बैराट अभिलेख में त्रिरत्नों में विश्वास की बातें करता है। किसमें? भाबरू बैराट अभिलेख में त्रिरत्न के बात की गई है, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और स्वयं को बौद्ध शाक्य कहकर संबोधित करता है। ठीक ना, ये भाबरू बैराट अभिलेख में है। इसके द्वारा इस तरह के बातें की जाते हैं। ठीक, अब आगे इसके द्वारा जो आपको जानकारी प्राप्त होती है तो अशोक के साम्राज्य के विषय में, आइए हम सब अशोक के साम्राज्य, विशाल साम्राज्य के विषय में जानते हैं। तो अशोक का साम्राज्य, ये देखिए साम्राज्य उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इसने अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए अपने प्रांत को मुख्यतया इसने 5 भागों में विभाजित कर दिया था। एक रखा था उत्तरापथ, एक रखा दक्षिणापथ, एक आपको जो था इसे आपको अवंती के रूप में, अवंती को पश्चिम में कर लेते हैं अवंती, और एक तरफ आपको कलिंग, और बीच का भाग मध्य क्षेत्र, या इसे बोलते थे प्राच्य क्षेत्र के रूप में जानते थे। तो इन सभी प्रांत को उत्तरापथ की राजधानी इसने कहाँ बनाई? तो उत्तरापथ की राजधानी इसने गांधार को बनाई, यानी तक्षशिला को इसके द्वारा बनाया गया। जबकि कलिंग प्रांत यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी इसने कहाँ बनाई? तो इसने पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली को बनाई, और दक्षिणी प्रांत की राजधानी दक्षिणापथ का इसने सुवर्णगिरी को दक्षिणापथ की राजधानी बनाई, और अवंती यानी उज्जैन को इसने आपको जो है कि पश्चिम के प्रांत के राजधानी बनाई, और प्राच्य देश के यानी समस्त चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने पाटलिपुत्र, इसका जो केंद्र बिंदु था यह पाटलिपुत्र ही था। प्राच्य की राजधानी इसने पाटलिपुत्र को बनाई। ऐसी जानकारी हम सबको प्रशासनिक रूप से इसने व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को इस तरह से अशोक के द्वारा विभाजित किया गया था। अशोक के 13वें अभिलेख में कुछ सीमावर्ती राज्यों के जानकारी मिलता है। 13वें अभिलेख में ये कौन कौन से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से थे,
इसके विषय में हम सब देख लेते हैं। तो कंबोज था, कंबोज, गांधार, ये इसके सीमावर्ती राज्य है। गांधार, रठिक, रठिक, भोज, भोज और आंध्र, और आंध्र ये इसके सीमावर्ती राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो थे, ये इसके बाद अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य के विषय में, दूसरे अभिलेख में दक्षिणी सीमा पर, दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य, दक्षिणी सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य के जानकारी प्राप्त होती है। ये राज्य कौन कौन से थे? तो इसमें चोल, पांड्य, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, पुत्र, सतीय पुत्र, पुत्र, और आपको एक और है ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, ये आपको सीमावर्ती राज्य के भी, अशोक के काल के सीमावर्ती राज्य की भी जानकारी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हम सब देखते हैं कि ये अशोक के काल के प्रमुख राज्य आपको देखने को मिलता है। अशोक के साम्राज्य के विषय में आपको जो है, इसके बाद आप सब आइए जो है कि कुछ विदेशी राजाओं के विषय में 13वें अभिलेख में कुछ विदेशी राजाओं के जानकारी प्राप्त होती है। इन 13वें अभिलेख में विदेशी राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। वह कौन कौन से राज्य थे? तो आपको सीरिया था, सीरिया, और सीरिया का राजा कौन था? तो सीरिया का राजा एंटियोक था, ठीक ना, एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय। फिर आपको मिस्र की जानकारी मिलता है, मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड, इसकी जानकारी मिलती है। फिर आपको जो मिलती है मेसिडोनिया यानी मकदूनिया, मेसिडोनिया, मेसिडोनिया के शासक कौन था? तो मेसिडोनिया का शासक जो था वो एंटीगोनस गोनातास, एंटीगोनस गोनातास, गोनातास नामक विदेशी राजाओं के जानकारी प्राप्त होते हैं। फिर मग या इसे ही सेरेन बोलते थे, यहाँ का जो शासक था वह आपको जो था मेगस, मेगस नामक शासक के जानकारी प्राप्त होती है। और फिर अलिक सुंदर, अलिक सुंदर, अलिक सुंदर, और इसका एक नाम जो है एपिरस भी मिलता है, एपिरस, एपिरस जो था इसे यहाँ का अलेक्जेंडर नामक, अलेक्जेंडर नामक शासक के जानकारी प्राप्त होती है। ये कहाँ से? तो अशोक के 13वें शिलालेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने भाब्रू बैराट अभिलेख में धम्म की नीति का जो है उल्लेख मिलता है, किसमें? भाब्रू बैराट अभिलेख में यह बात की जानकारी प्राप्त होते हैं, ठीक। अब अशोक के
अभिलेखों के विषय में भी कुछ बातें जान लेते हैं। तो अशोक के अभिलेख ठीक ना, अशोक के अभिलेख में आपको जो है कुल 14 बड़े अभिलेख अशोक के हैं, जिसमें आपको सातवां अभिलेख से हम लोग बताते हैं, यह सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक, 13वां अभिलेख, यह सबसे बड़ा अभिलेख है। यहां अब इसमें क्या क्या मिलता है, तो कलिंग युद्ध के जानकारी मिलती है, युद्ध के जानकारी, और क्या मिलता है तो विदेशी राज्यों की जानकारी, और क्या मिलती है तो उत्तरी सीमावर्ती राज्यों की जानकारी। तो ये सारी बातें आपको कहाँ से मिलती है, 13वें शिलालेख अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक पहला शासक है जो अभिलेख लिखने के परंपरा की शुरुआत की, अशोक के द्वारा ही अभिलेख लिखने की प्रथा प्रारंभ हुई, ठीक ना। इसके बाद आपको जो है एक प्रमुख बातें पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो 1837 ईस्वी में आपको अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप महोदय ने पढ़ा। ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और इसका पता किसने लगाया था, तो 1750 ईस्वी में टी पैंथलर महोदय ने इसका पता लगाया था, ये बातें हुई। अब आगे जो है अशोक के अभिलेख जो हैं, अभिलेख के चार भाषा है, अशोक के अभिलेख के लिपि के अभिलेख के लिपि, अब इसके कुल चार लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठ, आर्माइक और ग्रीक, ठीक ना। सबसे अधिक आपको जो है ब्राह्मी लिपि में सबसे अधिक अभिलेख लिखे गए हैं, सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक ना। एक आपको विद्वान है जो है जिनका नाम आपको मिलता है, क्या तो मिलता है भाई, नाम भूल गया हूं, कुछ है जो कि अशोक का इतिहास सिर्फ उसके अभिलेखों के आधार पर लिखने का काम किए हैं, ठीक ना। हाँ, एक बात और बता दूं, रुमिन दे अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है।
ये आपको प्रमुख बातें हुई। अब अशोक का जो है कि अशोक के मृत्यु तो लगभग 237 बीसी में अशोक के मृत्यु हुई थी। उसने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। अशोक के द्वारा 37 वर्षों तक शासन किया गया। अशोक की मृत्यु ऐसा प्रतीत होता है कि दुखद तरीके से हुई थी। अशोक के अगला जो है उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी जो थे अशोक के उत्तराधिकारी में अशोक के मृत्यु के बाद आपको जो था, इसके मृत्यु के बाद मुख्य रूप से जो शासक बनते हैं उनमें आपको दिव्यावदान से पता चलता है कि इसकी मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र कुणाल जो था, दिव्यावदान से क्या मिलता है, कुणाल इसका उत्तराधिकारी बना। कुणाल के विषय में ये मिलता है कि ये आंख से अंधा था। इस वंश का अंतिम शासक जो था वह बृहद्रथ था। अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ था, और इसी के हत्या करके आपको जो था, आपको कौन, बृहद्रथ के हत्या करके जो है के क्या नाम है उसका, पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश के नींव रखी। यह जानकारी प्राप्त होते है। बृहद्रथ किस में जानकारी मिलती है, तो वाणभट्ट के हर्षचरितम में बृहद्रथ को अंतिम जो है मौर्य वंशीय शासक बतलाया गया है। ये आपको जो था प्रमुख बातें थी। अब जो था, अब यहीं पे हम लोग आते हैं कुछ मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में आपको जो था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ देखो आओ। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था नेक व्यवस्था, इसमें आपको क्या मिलता है, तो इसमें अर्थशास्त्र में आपको 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों के जानकारी प्राप्त होते हैं। 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों के जानकारी प्राप्त होती है। इनमें जो प्रसिद्ध तीर्थ जो थे, इस तीर्थ में प्रसिद्ध कौन कौन थे, तो आपको समाहर्ता जो था यह राजस्व विभाग का प्रधान होता था। क्या होता था, राजस्व विभाग का प्रधान माना जाता था। इसके बाद इसमें आपको सन्निधाता होता था। सन्निधाता ये राजकीय कोषागार का प्रधान माना जाता था। फिर आपको जो था कि व्यवहारिक होता था, कौन, व्यवहारिक
व्यवहारिक जो था यह कौन था? तो व्यवहारिक हारिक ये जो होता था दीवानी न्यायालय का प्रधान होता था, दीवानी न्यायालय का प्रधान होता था। वहीं पे आपको प्रदेष्ट्रा होता था, प्रदेष्ट्रा, प्रदेष्ट्रा जो था ये फौजदारी न्यायालय का, फौजदारी न्यायालय का प्रधान माना जाता था। तो ये बातें जो थे यहाँ पे। वहीं कुछ प्रमुख जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षों के विषय में भी प्रमुख अध्यक्ष। अब इन प्रमुख अध्यक्षों में कौन कौन थे? तो प्रमुख अध्यक्षों में लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष जो था यह टकसाल विभाग के अध्यक्ष को, टकसाल यानी जहां रुपया पैसा छपता है उसके अध्यक्ष को जो था लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। अकारा अध्यक्ष होता था, अकारा अध्यक्ष का मतलब था खान विभाग के अध्यक्ष को, किसके? खान विभाग यानी जहां से मटेरियल निकलता है, खान विभाग का प्रधान जो था उसे अकारा अध्यक्ष कहते थे। सीता अध्यक्ष जो था, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष एक इसका तो कृषि विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। आपको सूना अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष जो था यह बूचड़ खाने का, बूचड़ खाने का प्रधान का अध्यक्ष जो था ये सूना अध्यक्ष कहलाता था। तो इस तरह से इसे आपको जो है कि अध्यक्ष के रूप में विभाजित किया जाता था। फिर आपको जो था कि मेगास्थनिज के इंडिका में आपको दो प्रकार के अधिकारी के वर्णन मिलता है, कहां पे? मेगास्थनिज के इंडिका में, के इंडिका में, इंडिका में दो प्रकार के अधिकारी आपको मिलते हैं। एक मिलता है, क्या मिलता है? तो एक मिलता है आपको एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई और नोमोई, और दूसरा मिलता है एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई। तो एग्रोनोमोई जो था यह आपको किसका होता था? तो एग्रोनोमोई सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी को, सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी को एग्रोनोमोई बोलते थे। और नगर या जिले का प्रधान जो था, नगर के अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। तो इस तरह से आपको जो था बातें थी। नेक्स्ट, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, चाणक्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहकर संबोधित किया गया है। और गुप्तचरों का जो अध्यक्ष होता था उसे महामात्या सरसप कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ पे आपको भूमि के प्रकार भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बतलाए गए हैं, और तीन प्रकार की भूमि बतलाए गई है, एक कृष्ठभूमि, अकृष्ट भूमि और स्थल भूमि। कृष्ठभूमि उसे कहते थे जो जूती हुई भूमि होती थी, उसे कृष्ठभूमि कहकर संबोधित किया गया है। और भूमि स्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था, भूमि स्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। राजकीय आय का प्रधान स्रोत जो था वह भूमि कर ही था। कर के विषय में भी कई प्रकार के कर दिए जाने की जानकारी मिलती है, जिसमें आपको जो था वह सबसे प्रसिद्ध कर कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध कर जो था वह बलि था, बलि नामक कर भी दिया जाता था। बलि एक जो था धार्मिक कर नहीं था, यह एक प्रकार का आपको जो है राजा के द्वारा लिया जाने वाला कर था। तो इस तरह आप सबके मौर्य काल से संबंधित प्रमुख बातें समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।